इस महीने की बुक रिव्यू में रिव्यू करेंगे वन ऑफ़ ऑफ़ द द बेस्ट बुक्स एवर अबाउट हिस्ट्री ह्यूमन काइंड दोस्तों ये महीने की सीरीज होती है जहां मैं एक बहुत फेवरेट बुक ऑफ माइंड को पिक करता हूं और उसकी एक समरी देता हूं नॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक बट एज अ इंस्पिरेशन होपफुली कि आप भी ये किताब पढ़ चुके हैं किताब ये किताब पढ़ लें इस सीरीज के पार्टनर हैं कुकू एफ जहां आप अपने फेवरेट भाषा में अपनी फेवरेट किताबें सुन सकते हैं इट्स इंडिया प्लेटफॉर्म एंड इट इज टेर दुक्स इन योर फेवरेट लैंग्वेज अगर आप कुको एफ पे फिफ्टी परसेंट ऑफ चाहते हैं उसके एनल्शन पे देन यू शुड फॉलो द लिंक इन द प्रिट कॉमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन सेक्शन इस वीडियो में सेपियंस को गिव अवे के तौर पर दूंगा कैसे बहुत इंटरेस्टिंग है आपको मुझे यह बताना है कि इस पूरे वीडियो में मैंने सेपियंस कितनी बार बोला है ऑफ ऑल द द पीपल हु गिव मी राइट आंसर मैं हुई लोगों को पिक करूंगा रैंडमली हु विल गेट अ कॉपी ऑफ दिस बुक सेपियंस डिलीवर्ड से डोर स्टेप एंड एक लकी विनर को मैं इलिस्ट्रेटेड वर्जन ऑफ सेपियंस जिसके दो एडिशन आ चुके हैं वो दूंगा दिस इज अ कलेक्टर्स आइटम इसमें सेपियंस जो किताब है वो एक कॉमिक फॉर्मेट में है

फ्री गिव अवे. शुरू करते हैं कि सेपियंस किस बारे में है. दिस बुक इज रिटन बायो हिस्टोरियन बाय द नेम ऑफ़ हरारी. बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपैक्टफुल बुक है अगर अक्सर आपने ये पूछा है कि हमारे सिविलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है एंड हाउ इज इट दैट वी हैव कम टू दिस पॉइंट दैन दिस बुक हैज दंसर फॉर अल्ड ऑफ दोस्त इट स्टार्ट विद अ वेरी फंडामेंटल थिंग जो हमें लगता है बहुत ऑब्वियस है लेकिन नहीं है युवल ये बोलते हैं कि 70000 साल पहले जब होमो सेपियंस का रूप व्हिच इज द स्पीशीज दैट वी आर कॉल्ड बाय दैट्स व्हाई द नेम सेपियंस जब वो धरती पे चल रहे थे जी रहे थे देन वी वर लाइक एनी अदर स्पीशीज हमारे साथ चिंपैंज़ीज़ थे और ओरंगउटान्स थे मछलियां थी बहुत सारे और जीवन जंतु थे एंड हमें कोई अंतर नहीं था ऐसा नहीं था कि अरे होमो हैं और वो दुनिया को राज करते हैं और वो सबसे अकलमंद हैं और वो सारी दुनिया पे इतनी सारी चीजें करने वाले हैं ना नथिंग लाइक दैट्स नॉट द केस कुछ तो ऐसा हुआ है पिछले सत्तर हजार सालों में जहां हम एक इनसिग्निफिकेंट स्पीशीज से धरती के सबसे डोमिनेंट सिग्नि नंबर that that एक द पावर ऑफ ह्यूम टू इमेजिन हम कल्पना कर सकते हैं हम उस कल्पना को पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं तो जब हम आज बैठे हुए यह कल्पना करते हैं कि मेरी अगले वाली आने वाली जिंदगी में बंगला होगा गाड़ी होगी ईशान होगा शौकत होगा हम ये कल्पना करते हैं कि हम उस वेकेशन पे जाएंगे हम कल्पना करते हैं कि हम उसके साथ प्यार मोहब्बत निभाएंगे हम ये कल्पना करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये होगा वो होगा ऑल ऑफ दैट इज आर पावर टू इमेजिन विच एनिमल्स लैक एंड आई एल कम बैक टू हाउ दिस कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो इस दुनिया को जोड़ के रखती है एंड द सेकेंड थिंग दैट वॉज आर पावर टू कोऑपरेट हम हमें लगता है कि आजकल की दुनिया में नहीं होता है इसका मतलब ये है कि अगर आप सौ चंपेन् को और सौ इंसानों को एक साथ जोड़ दोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखाएगा एट दैट पॉइंट सौ इंसान जो हैं, वो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं पहुंच के कुछ हासिल कर लेंगे लेकिन इट्स पॉसिबल कि चिंपैंजी भी कर लेंगे वो भी प्लान बना लेंगे कि खाना कहाँ खाना, खाना है वो भी प्लान बना लेंगे कि कौन से फेल्डो पर चलना है वो भी प्लान बना देंगे कि कहां सेटल होना है सो ऑल लेकिन अगर आप एक लाख लोगों को और एक लाख चिम्पैजीज को एक साथ इकट्ठा कर देंगे देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि विल बी इन की चिंपेजी बट ह्यूमन विल स्टिल फाइंड अ वे टू कोऑपरेट एंड ये कोऑपरेशन अ लॉट इवन द अदर पर्सन इज अ स्ट्रेंजर इफ यू रियली थिंक अबाउट इट इतनी बार हम कोऑपरेशन के लेवल पे ही काम करते हैं आपका दिन जब शुरू होता है एंड यू स्टेप आउट ऑफ योर होम टेक एन ऑटो और अ बस दैट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन क्योंकि आप उस बस ड्राइवर उस ऑटो ड्राइवर पे भरोसा कर रहे हैं दैट दे विल डू देयर जॉब फॉर अ सम ऑफ मनी और सम एक्सचेंज ऑफ सर्विस एंड यू विल स्टिल गेट व्हाट यू वांटेड दैट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन आप एक सड़क पे चल रहे हैं जो किसी अनजान इंसान ने बनाई है एंड वाई बिकॉज थिंग्स केम टूगेदर एंड ह्यूमन कोऑपरेटेड ये बिल्डिंग्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनीज ये गवर्नमेंट ये देश ऑल ऑफ दीज रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑपरेशन दैट एनिमल्स लैक एंड इन एडिशन टू द कोऑपरेशन एज आई सेड है हमारी इमेजिनेशन हमारे कल्पना करने की क्षमता और उस कल्पना करने से हम कहानियां बुनते हैं वी हैव द पावर

जिसपे आरबीआई गवर्नर लिखते हैं कि ये नोट जो है दो हजार रुपए का है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसकी वैल्यू दो हजार रुपये है कौन है आर बी आई गवर्नर क्या है ये पैसा एंड येट किसी भी इंसान के पास अगर वो दो हजार रुपए का नोट होता है वो पांच सौ रुपए का नोट होता है वो सौ रुपए का नोट होता है तो उसको यकीन है कि उसके पास वो पैसा है और वो उस यकीन से एक दुकान के पास जाता है उसको वो पैसा देता है और दूसरा इंसान भी उसी यकीन के साथ उसको एक प्रोडक्ट देता है इफ यू रियली थिंक अबाउट इट इट इज अनबिलीवेबल हाउ दैट हाउट पूरी दुनिया इस पर चलती है यू थिंक अबाउट रिलीजन किसी ने किसी भी रूप के अपने भगवान को देखा नहीं सिर्फ उनको महसूस किया है एंड दैट इज स्टिल फिक्शन एक ऐसा ठोस विश्वास कि कोई तो है हमारे ऊपर दैट हैज बिन कमिंग थ्रू एजेस थ्रू जेनरेशन थ्रू सिविलाइजेशन एंड

मोसेपिय बिगैन टू इमर्ज एज द प्रिडमिनेट स्पीशीज ऑन दिस प्लान फिर 12,000 हजार साल पहले एग्रीकल्चरल रेवल्यूशन आया जब हम भटकते थे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ एक नदी से दूसरे नदी एक शहर से दूसरे शहर शहर तो थे ही नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम वी बिगैन टू सेटल क्योंकि हमें पता चल गया कि खाना उगा कैसे सकते हैं अब हम सिर्फ खाना ढूंढने नहीं जाते थे खाना तोड़ने नहीं जाते थे खाना मारने नहीं जाते थे हम खाना उगा सकते थे एंड दैट लेड टू द फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड उसके थ्रू एक अलग रेवल्यूशन शुरू हुई और 500 साल पहले तीसरी रेवल्यूशन विच वॉज द साइंटिफिक रेवल्यूशन जो शायद अभी भी चल रही है वेन मैन काइंड बिगैन टू क्वेश्चन थिंग्स उनको ये एहसास हुआ कि हम बेवकूफ बेफकूफा इग्नोरेंट हैं हमें सब कुछ नहीं पता बट थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस नेचर को अपनी बायलॉजी को पूरी दुनिया को समझ सकते हैं समझने की कोशिश कर सकते हैं एंड दैट है कितनी सारी चीजें हैं जो की काल्पनिक है हमारी दुनिया में हमारी जिंदगी में पैसा एक तरीके से काल्पनिक है रिलीजन एक तरीके से काल्पनिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एक कंपनी क्या होती है अगर आप किसी कंपनी या किसी ब्रांड से खरीदते हैं क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है नहीं ऑफिस करते हैं बट वॉट इज द कंपनी काल्पनिक है इतनी सारी चीजें आर ड्रिवन बाय आर एबिलिटी टू इमेजिन एंड टू कोऑपरेट विच हैज लेड टू दिस बुक एंड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एज इट हैज बीन बाय यूवल ब्रिलियंट बुक बहुत अच्छी लगेगी आपको इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इफ़ यू आर अटूडेंट ऑफ क्यूरिया इफ यू आर अ स्टूडेंट दैट लव टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ थिंग और बहुत ही सिंपली सेपियंस को लिखा है यूवल ने क्योंकि उनका एक इंटरव्यू था जो मैं पढ़ रहा था और उन्होंने सबसे पहली बार ये बोला कि मैंने इस बुक में ना कुछ भी नया नहीं लिखा है सो आई एम ऑफन सरप्राइज की यह बुक इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई है बिकॉज एवरी थिंग दैट बिन रिटर्न इन द बुक इज समथिंग दैट द वर्ल्ड ऑलरेडी नोस ऑफ कुछ भी नया नहीं है कुछ भी मैंने अपनी थ्योरी से नहीं इस्तेमाल किया है बिकॉज ही इज अ हिस्टोरियन

बहुत बढ़िया है इफ know about टू योर किड्स इफ शायद पढ़ना मुश्किल होगा पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान होता है एंड आई वुड encourage यू टू पिक दैट अप एज वेल जैसे कि मैंने बताया इस पूरे वीडियो में मैं 20 किताबों का गिव अवे कर रहा हूं प्लस वन ऑफ द इलिस्ट्रेटेड एडिशन कैसे आपको मुझे यह बताना है कि इस पूरे वीडियो में मैंने कितनी बार बोला एंड फॉर ऑल लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा एंड उनको ये बुक मिलेगी प्लस वन ऑफ द लकी विनर्स विल गेट दिन आई होप दिस वॉज यूजफुल हर महीने बुक रिव्यू पावर्ड बाउट दब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट ए फिफ्टी ऑफ